हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टार्क। आइए देखते हैं, तो टार्क के बारे में समझते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज टार्क, इस नाम से भी जाना जाता है, या टार्क को कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब वह फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट पैदा करता है वो टार्क कहलाता है। तो देखते हैं कब कहां कैसा वैलिड होता है। तो टार्क को समझने के लिए हम लोग देखते हैं, पहले एक यहां लेते हैं फिक्स्ड पॉइंट, मतलब कोई नट लेते हैं, ये आपका रिंच है। तो अगर हम इस पे फोर्स यूं लगाते हैं तो हम ये इसको इस टाइप से रोटेट करेगा तो ये खुलेगा, नट जो है ये खुलेगा, वो ऊपर आएगा। तो अगर इस टाइप से परपेंडिकुलर लगाते हैं तो ये टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगा, ये घूमेगा आसानी से। और हम लोग यहां देखें फिगर में, हम तिर्यक फोर्स लगाए हैं जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर वर्क कर रहा है। तो इसका डिफिनेशन कहता है कि फोर्स का हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है जो परपेंडिकुलर हो, जो क्या हो, आर आर वेक्टर से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, वो वाला फोर्स हमको लेना है कंपोनेंट का। तो यहां हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो टर्निंग इफेक्ट के लिए ध्यान दें, यहां कॉन्सेप्ट समझा जाए, अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट, अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट समझने के लिए हमें यह देखना है हाउ मच एफ, मतलब कितना ज्यादा फोर्स लगाया गया। तो यहां आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो टर्निंग इफेक्ट ज्यादा पैदा होगा, मतलब ज्यादा तेजी से घूमेगा, आसानी से खुलेगा, यस। और दूसरा स्टेप जो समझना चाहिए, वेयर एफ, ये एफ कहां लगाया है, एफ फिक्स्ड पॉइंट से जितना दूरी पर होगा, अगर दूरी ज्यादा होगा तो टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा आसानी से होगा, मतलब और आसानी से खुलेगा। अब नजदीक में खोलोगे इसको नट को तो ये जल्दी खुलेगा नहीं, ध्यान दें। और तीसरा स्टेप जो आपको समझना चाहिए, एंगल ऑफ फोर्स, फोर्स का एंगल क्या है, फोर्स का एंगल क्या है, तो किस एंगल पे ये वर्क कर रहा है इस पर डिपेंड करता है, यस। तो अब यहां देखिए, अगर हाउ मच फोर्स में, अगर फोर्स इंक्रीज करते हैं, फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो टाउ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, टाउ, ये टार्क का सिंबल, टार्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर आर इंक्रीज करने से टाउ इंक्रीज करेगा, अगर ये फिक्स पॉइंट से आर की दूरी आप बढ़ाएंगे तो टाउ का मान क्या होगा, इंक्रीज करेगा और आसानी से खुलेगा, टाउ बढ़ेगा, यस। अब यहां देखिए, यह परपेंडिकुलर इंक्रीज तो टाउ इंक्रीज करेगा, तो मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट हमको लेना है जो क्या हो, आर के परपेंडिकुलर हो, आर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होगा वही, वो जितना ज्यादा होगा टार्क का मान उतना ज्यादा होगा, वो जितना ज्यादा का मतलब हमारे फिगर में एफ फोर्स लगा हुआ है और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ साइन थीटा है, तो एफ साइन थीटा जितना ज्यादा होगा टाउ का मान उतना ज्यादा होगा। एफ साइन थीटा ज्यादा कैसे होगा, तो जाहिर है कि एफ साइन थीटा का मान ज्यादा तो तभी हो सकता है जब थीटा इक्वल टू क्या हो, 90 हो जाएगा। तो अगर आप इस नट को खोलने के लिए आप फोर्स परपेंडिकुलर लगाएंगे तो ये सबसे आसानी से टर्निंग इफेक्ट आपको मिल जाएगा, यस। तो ये चीज यहां जानना है। तो टार्क, टार्क इक्वल टू होता है, यहां से ये डिस्टेंस देखिए माने हैं आर, आर इंटू एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा क्या है, फोर्स का वो कंपोनेंट है जो क्या है, परपेंडिकुलर है, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, जो आर आपका है ये वाला, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां पे लिया जाएगा। तो इसके बारे में आपको यहां जानना चाहिए। अब हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म में टाउ इक्वल टू होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, या इसे कहते हैं आर एफ साइन थीटा, एन कैप वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो जैसे टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो ये टाउ जो जिस डायरेक्शन में वर्क करता है वो आर वेक्टर और एफ वेक्टर दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, या यहां यूनिट वेक्टर जो है आर और एफ वेक्टर के क्या होता है,
परपेंडिकुलर होता है। तो ये चीज ध्यान देना है। अब इस वेक्टर फॉर्म को हमें यहां पे समझना होगा। तो हम फिक्स पॉइंट के इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो देखिए हमारा इधर घुमाने पर हमारा थंब कैसे इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। तो मतलब ऐसे फोर्स लगाने पर नट खुल रहा है, हमें फेल हो रहा होगा। अब देखते हैं, अब आर क्रॉस एफ करते हैं कि ये देखिए आर दूरी है और इसी डायरेक्शन में आपका आर वेक्टर कार्य करेगा। ये आर वेक्टर हो गया और ये एफ वेक्टर हो गया, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ करिए, आर क्रॉस एफ करते हैं तो हमारा थंब इसी डायरेक्शन में कार्य करता है, ये यस। तो इस डायरेक्शन में कार्य करता है और इसी डायरेक्शन में अगर ये हम खोलते हैं इसको, इस टाइप से रोटेट करते हैं तो नट हमारा ऊपर भी आता है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसीलिए ये वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। अगर आप एफ क्रॉस आर कर देंगे तो एफ क्रॉस आर करने से डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा, तो आपको यहां नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो टार का डायरेक्शन क्या हो रहा है यहां पे, वर्टिकली अपवर्ड। ध्यान देना आर क्रॉस एफ कर लेना और जिस डायरेक्शन में थंब वर्क करे वही टार का डायरेक्शन होगा, यस वही टार का डायरेक्शन होगा। अब इस टार के संबंध में कुछ और कॉन्सेप्ट इकट्ठा करते हैं, थोड़ा ध्यान देना इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं एफ पैरेलल, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, एफ पैरेलल वाला ये है। तो एफ पैरेलल मतलब एफ कॉस थीटा कैन नॉट प्रोड्यूस टार्क, मतलब एफ कॉस थीटा ये टार्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बिकॉज एफ कॉस थीटा पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मतलब आज से आपको ये कंसेप्ट ख्याल रखना है न्यूमेरिकल के लिए कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगा वो टार्क नहीं प्रोड्यूस करेगा, यस ये चीज आपको जानना है। तो वो बहुत कीमती पॉइंट है, ध्यान दिया जाए। और दूसरा पॉइंट ध्यान दें, टार्क इज एन एक्सियल वेक्टर, मैं वेक्टर के बारे में यहां बता भी रहा था, दोबारा वेक्टर है। तो टार्क इज एन एक्सियल वेक्टर, जो वेक्टर एक्सिस पे वर्क करता है उसे एक्सियल वेक्टर कहा जाता है, ध्यान दें। तो टार्क इज एन एक्सियल वेक्टर, इट्स डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, इसका जो डायरेक्शन होता है वो राइट हैंड स्क्रू रूल की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो चलो राइट हैंड स्क्रू रूल भी देख लेते हैं। देखिए आर क्रॉस एफ ये अंगूठा है इस टाइप से करने से आ रहा है, और स्क्रू रूल में देखिए अगर आप इसको ख्याल करिए इस टाइप से घुमा रहे हैं तो ये खुलेगा, ये नट ऊपर आएगा, तो ये हमारा इस टाउ के क्या है डायरेक्शन के इक्वल हो गया। अगर आप ऐसा रोटेट भी करते हो, यहां यहां होता है ये चीज, ऐसे घुमाओ आर क्रॉस एफ करो तो ऐसे करोगे तो ये चीज खुलेगा, ये चीज ऊपर आएगा, ध्यान दें। अगर ऐसा है, ऐसा आप करते हो तो ये चीज खुलता है आर क्रॉस एफ, ये आर से एफ की ओर रोटेट कर रहे हैं तो ये खुलता है, अगर ऐसा करोगे तो ये अंदर जाएगा, यस। तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब सही वेक्टर फॉर्म है वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ध्यान दें। ये एक्सियल वेक्टर इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक्सिस पे कार्य करता है, एक्सिस पे होता है इसका डायरेक्शन टाउ, यस। और तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट जिसे आपको ये जानना चाहिए, तीसरा पॉइंट कह रहा है कंपोनेंट ऑफ टाउ व्हिच इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो टाउ का कंपोनेंट होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के एलांग होना चाहिए। तो ये इसी पे घूम रहा है तो टाउ का मान इसी पे होना चाहिए, हाँ ये चीज ध्यान देना। अगर इस नियम का पालन नहीं करेगा तो वो टाउ टर्निंग इफेक्ट पैदा नहीं कर पाएगा। फिर देखा जाए कंपोनेंट ऑफ टाउ व्हिच इज एलांग एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, अगर टाउ जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के एलांग नहीं है तो वो टर्निंग इफेक्ट पैदा नहीं कर सकता, ध्यान दें। उसके इस कंसेप्ट के लिए हम फिगर आपके लिए बना चुके हैं, यहां पर विधिवत देखा जाए तो इस टाइप से देखिए है कोई रिंग समझ लीजिए और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, हाँ
अब इसके परिता इस टाइप से ये रोटेट कर रहा है और हम जो है फोर्स यूं लगा रहे हैं, यूं नीचे से परपेंडिकुलर। ऐसे कोई इस टाइप से चीज है जिसका फोर्स मान लेते हैं यही है, यही देख लीजिए। अब इसको ऐसे रोटेट कराना है, हमको ऐसे रोटेट करना है और आप फोर्स ऐसा लगाओगे तो ये फोर्स घुमाने में योगदान करे, रोटेट करने में योगदान करेगा नहीं करेगा, ये फोर्स लगाने से कोई फायदा नहीं है। अरे इसको एक्सिस के परिता अगर घुमाना ही है इस टाइप से तो आप यहां फोर्स लगाते, तो आप यहां फोर्स लगाओगे तो यहां कुछ होने वाला नहीं है, ध्यान दिया जाए। यस, तो यहां फोर्स लगाने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ तो होने वाला नहीं है, लेकिन ये आर क्रॉस एफ होगा, आर और एफ परपेंडिकुलर है, तो यहां विद्यार्थी ये चीज ध्यान देना है, हेयर टाउ नॉट इक्वल टू जीरो, यहां टाउ का मान जीरो नहीं है, यहां टाउ का मान जीरो नहीं है, और फिर भी ये टर्निंग इफेक्ट पैदा नहीं करता है, टाउ होते हुए भी यहां टर्निंग इफेक्ट पैदा नहीं करता है। तो ध्यान दें आगे देखिए क्या लिखा है, टाउ नॉट इक्वल टू जीरो एट नो टर्निंग इफेक्ट बिकॉज टाउ इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान दें, अब देखिए यहां पे, यहां हमारा आर हो गया, ये एफ हो गया, जब आप आर क्रॉस एफ करोगे तो इस डायरेक्शन में आ रहा है टाउ। अब ये क्या हो रहा है, ये एक्सिस के क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, तो एक्सिस के जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो वो टर्निंग इफेक्ट पैदा नहीं करेगा। ध्यान दिया जाए, इसे दोबारा समझे, कंपोनेंट ऑफ टाउ व्हिच इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन प्रोड्यूस टॉर्क। तो यहां जो है कंपोनेंट ऑफ टाउ एक्सिस पे कार्य कर रहा है, टाउ जो होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल कार्य करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी डायरेक्शन है और इसी में इसी की तरफ कार्य करता है क्या टाउ, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के एलांग टाउ कार्य करता है तो वो टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगा, और अगर परपेंडिकुलर कार्य करता है तो टर्निंग इफेक्ट पैदा नहीं करेगा। अब यही चीज यहां फिर दोबारा समझा जाए, तो ये आर क्रॉस एफ तो टाउ जीरो नहीं है फिर भी टर्निंग इफेक्ट नहीं पैदा करता है, क्योंकि जब आर और एफ का क्रॉस करते हैं तो ये इस डायरेक्शन में आता है और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके परपेंडिकुलर हो गया तो ये जो है टर्निंग इफेक्ट पैदा नहीं कर पाएगा। बहुत कीमती चीज है, इसको आपको यहां पे ध्यान देना चाहिए। तो जहां तक रही बात इसकी डिफिनेशन की, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्प्लेसमेंट आर और फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट के गुणनफल को क्या कहेंगे, वो टार के बराबर होता है। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तो टार्क की यूनिट डायमेंशंस के बारे में जानकारी लेते हैं, तो यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ टार्क ध्यान दें, तो यूनिट ऑफ टाउ इज इक्वल टू फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर मीटर हो गया, हाँ डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर हो गया, तो न्यूटन मीटर या शॉर्ट में कैपिटल लेटर में एन और स्मॉल लेटर में एम लिखा जाता है। आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है कि जो साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट होता है अगर वो आप पूरा लिखते हैं तो पहला अक्षर स्मॉल लेटर से लिखना चाहिए और शॉर्ट में लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। हाँ, तो ये रूल हो गया। अब डायमेंशन में फोर्स का रख दिया डायमेंशन और लेंथ का हो गया एल और कंबाइन कर लिए तो ये आया, ये इसका डायमेंशन वर्क के बराबर आ रहा है, इसका डायमेंशन जो आ रहा है वर्क के बराबर आ रहा है, ये तो सामान्य बात है। तो एक चीज और देखना है, ये थोड़ा सा कंपेरिजन यहां को करना है, जैसे हम लोग जब वर्क पढ़ते हैं, वर्क जो लोग क्या होता है फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट, तो इसका भी मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर, या इसे जूल कहा जाता है, न्यूटन मीटर या क्या कहा जाता है जूल, तो हम इसको जूल क्यों नहीं कह सकते, हम इसको जूल कहेंगे या नहीं कहेंगे, तो पहला काम तो ये टार्क भी एक प्रकार का फोर्स होता है जो टर्निंग इफेक्ट पैदा करता है, तो ये भी एक फोर्स है और फोर्स की यूनिट कभी जूल नहीं हो सकती, ये चीज ध्यान देना है। तो यहां पे वर्क को न्यूटन मीटर या जूल लिखा जा सकता है, लेकिन टार्क को केवल न्यूटन मीटर ही इसकी यूनिट लिखी जाएगी, ये जूल नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि जूल उसका यूनिट होता है जो वर्क और इनर्जी की ही यूनिट होता है जूल, ध्यान देते, ये चीज नोट में हम लिख चुके हैं, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो यूनिट ऑफ टॉर्क
न्यूटन मीटर कैन नॉट बी रिटन एज जूल बिकॉज जूल इज यूज स्पेसिफिकली फॉर वर्क और एनर्जी। तो ये विशेषता वर्क और एनर्जी के लिए ही होता है जूल, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हाँ, देखा जाए पहला सवाल आज का, डिफरेंट फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन ए पायोटेड स्केल एज शोन, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज विल प्रोड्यूस टॉर्क। ये आपका स्केल है कोई, ये यहां पे पायोटेड है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट है। इसी यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, चाहे इसके लिए इधर जाना है चाहे इसके इधर, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसी के रोटेट करना है इधर या उधर। तो यस, तो ये कहना है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस विल प्रोड्यूस टॉर्क, उसमें कौन सा फोर्स जो है इसमें टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये बताना है। तो चलिए शुरुआत एफ1 से करते हैं। तो यहां एफ1 देखते हैं, एफ1 नॉट इक्वल टू जीरो, एफ1 नॉट इक्वल टू जीरो, एफ1 जीरो नहीं है, फिर भी ये टाउ वन इक्वल टू क्या है? जीरो, मतलब कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता है। एफ1 जीरो नहीं है फिर भी कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता है, बिकॉज आपको बताया गया है जो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से होकर गुजरेगा वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। यस, यहां लिखा है अंग्रेजी, एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेज फ्रॉम द पाइवेटेड पॉइंट ओ, पॉइंट ओ इसका नाम दे दीजिए। यस, जो भी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से होकर गुजरेगा, फिक्स्ड पॉइंट से होकर गुजरेगा, वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। चलिए एफ टू पे गौर करते हैं। तो यहां कहेंगे एफ टू नॉट इक्वल टू जीरो, एफ टू नॉट इक्वल टू जीरो, एफ टू जीरो नहीं है और ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस टॉर्क। हाँ, और टॉर्क का ये डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा ए सी डब्ल्यू, एंटी क्लॉक वाइज। टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो होगा एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज ये है, एंटी क्लॉक वाइज ये डायरेक्शन लिया जाएगा। हाँ, एक चीज देखिए बताना भी रह गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर क्लॉक वाइज है, कंसेप्ट एक चीज और यहां पे ध्यान देना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज ए सी डब्ल्यू। तो ऐसे केस में टाउ क्या होगा? टाउ पॉजिटिव होगा, ये चीज ध्यान देना है। अगर एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज, रोटेशन इज क्लॉकवाइज सी डब्ल्यू, तो ऐसे में टाउ क्या होगा? नेगेटिव। तो ये लाइन बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान दें, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क, तो टॉर्क पॉजिटिव लिया जाएगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज तो टॉर्क क्या लेंगे? वैल्यू नेगेटिव लेंगे। ये चीज आप जानकारी में रखिएगा। हाँ, यहां देखें एफ टू जो है, एफ टू जीरो नहीं है, ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है और एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करता है, ये इधर और ये पॉजिटिव होगा। चलिए एफ थ्री की बात करते हैं, एफ थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, एफ थ्री भी यहां जीरो नहीं है, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस टाउ थ्री, यहां भी ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये देखिए ये फिक्स्ड पॉइंट है, तो ये एफ थ्री क्या करेगा? इधर की ओर रोटेट कराएगा, मतलब क्लॉकवाइज सी डब्ल्यू। तो ये फोर के बारे में जहां तक जानकारी है, फोर नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी क्या करेगा? प्रोड्यूस टॉर्क टाउ फोर, ये भी क्या है? सी डब्ल्यू, क्लॉकवाइज टॉर्क उत्पन्न करेगा ये, ये भी, ये फोर फिक्स पॉइंट है, ये इधर की ओर ले जाने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये टॉर्क क्या होता है? नेगेटिव। और यहां एक और पॉइंट है, ये फाइव नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन फिर भी ये
टाउ फाइव इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। फिर यही वाली कहानी यहां रिपीट होगी, ध्यान दिया जाए, क्योंकि यह फाइव फोर्स तो है, ये मैग्नीट्यूड में इसका वैल्यू तो है, जीरो के बराबर नहीं है, फिर भी ये टार्क प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से होकर गुजर रहा है ये फोर्स। देखिए तो जो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिक्स्ड पॉइंट पाइवेटेड पॉइंट से होकर गुजरता है उसका टार्क जीरो होता है। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नेट टार्क। तो ये फिगर है आपके लिए, यहाँ पे 15 न्यूटन का फोर्स कार्य कर रहा है, ये हमारा पाइवेटेड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, और यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स कार्य कर रहा है। ये 15 न्यूटन का फोर्स आपको फील हो रहा होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया आपका, ये 15 न्यूटन फोर्स इधर ले आने का प्रयास करेगा और 10 न्यूटन का फोर्स इसे ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो टाउ वन इसके सोल्यूशन में है, तो टाउ वन मान लेते हैं 15 न्यूटन के लिए, तो आर एफ होता है, यहां से आर क्या है 2 इंटू एफ है 15, तो 30 न्यूटन मीटर आया टाउ वन। और टाउ टू निकाल लेते हैं, टाउ टू ये 10 न्यूटन के लिए है, तो आर एफ आर है 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 न्यूटन मीटर। हाँ, ये क्लॉकवाइज है सी डब्ल्यू, और ये है एंटी क्लॉकवाइज ए सी डब्ल्यू। नेट टार्क कह रहा है, नेट टार्क या टाउ नेट बराबर हो जाएगा, तो ये टाउ वन माइनस टाउ टू, तो 30 माइनस 20 इक्वल टू 10, 10 न्यूटन मीटर आंसर सी डब्ल्यू। ध्यान दें, नेट टार्क तो हमारा है 10 न्यूटन मीटर, लेकिन ये आंसर में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो जाहिर है कि क्लॉकवाइज का मान ज्यादा है, तो क्लॉकवाइज वाला ही आंसर क्या होगा, इफेक्टिव होगा। ध्यान दें, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल कह रहा है फाइंड द टार्क ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन 1 kg। ये 1 kg है, तो इस पे कितने फोर्स कार्य कर रहे हैं। तो एक फोर्स इसका mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है, mg मतलब 1 g, 1 kg का ये बॉडी है, पिंड है, और इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 g cos 30, और एक फोर्स ये होगा 1 g sin 30। ग्रेविटेशनल फोर्स ये कार्य कर रहा है mg, 1 g, एक तो ये हो गया, और कौन सा फोर्स, एक टेंशन फोर्स कार्य करेगा, तो टेंशन फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से ये गुजर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन के सीध पे ही पड़ रहा है, तो वो तो टार्क बनाएगा नहीं, ये टेंशन फोर्स तो यही से जा रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन के। यहां कहेंगे टाउ ड्यू टू टेंशन इक्वल टू जीरो, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से ये रोटेट कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये गुजर रहा है, तो टेंशन कोई जो है टार्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, और इसका ये कंपोनेंट फोर 1g का परपेंडिकुलर कंपोनेंट 1g साइन 30 ये टार्क बनाएगा। तो हाँ, तो ये टाउ 1 मान लीजिए, अगर ये टाउ 2 कहते हैं तो टाउ 2 इक्वल टू r क्रॉस f, और ये r जो है न्यूमेरिकल में दिया हुआ है 1 मीटर। ध्यान दें, तो होता है r गुणे f परपेंडिकुलर, तो r है 1 मीटर और f परपेंडिकुलर हो जाएगा 1g साइन 30, तो 1 × 1g 10 sin 30 1/2, तो आएगा कितना 5 न्यूटन मीटर। तो नेट टार्क की बात जहां तक है, टाउ नेट अगर पूछ रहे हैं ऑल फोर्सेस के कारण, तो कितना आएगा 5 न्यूटन मीटर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए।
हाँ फ्रेंड्स, तो हमें इतना ही आज का कॉन्सेप्ट बताना था। टार्क के संबंध में न्यूमेरिकल हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, आप विधिवत इसका अध्ययन कर लें। और एक टाइप का सवाल जो हम लोग बार बार न्यूमेरिकल कर चुके होंगे, वेक्टर में भी कर चुके होंगे, ध्यान देना है, वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ये वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, तो हमेशा आपको इस टाइप से क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो वेक्टर वाले चैप्टर में इसका तरीका बताया गया है। यस, तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।